Good morning, student. How are you all? Hope you all are fine. Let us start the next chapter of the Spark book. The name of the chapter is Preposition. First of all, we will clear the meaning of preposition. A preposition is a word that connects or links a noun or pronoun to the rest of the sentence. जो प्रापोजिशन होती है वो एक वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रनाउन को बाकी सारे सेंटेंस के साथ जोड़ता है सो प्रापोजिशन इज अ लिंकिंग वर्ड प्रापोजिशन वर्ड्स आर इन ऑन अंडर बिहाइंड बिसाइड बिटवीन अबब इन फ्रंट ऑफ इन मीन्स अंडर ऑन मीन्स ऊपर अंडर मीन्स नीचे बिहाइड पीछे बिसाइड पास में बगल में बिटवीन बीच अबब ऊपर इन फ्रंट ऑफ सामने सो टू क्लियर दिस कंसेप्ट लेट प्रैक्ट एक्टिविटी ऑफ प्रापोजिशन सो देअर आर टू थिंग्स बॉल एंड बॉक्स सो द पोजिशन ऑफ द बॉल इज ऑन द बॉक्स जो बॉल है बॉक्स के ऊपर है सो को क्या पोजिशन है ऊपर सो ऑन इज द प्रपोजिशन ऑन मीन्स ऊपर द सेकेंड पिक्चर इज द बॉल इज अंडर द बॉक्स ये बॉक्स येलो इज द बॉक्स सो बॉल इज अंडर द बॉक्स द सेकेंड प्रपोजिशन इज अंडर अंडर मीन्स नीचे बॉल बॉक्स के नीचे है द नेक्स्ट इज बॉल इज इन दॉक्स के अंदर है सो अगर हो तो उसके लिए इन यूज होता है बॉल इज बिहाइंड बॉक्स बॉल बिहाइंड बॉक्स के पीछे है बॉल पी, बॉक्स बा, के पीछे है तो इसके लिए क्या यूज होगा बिहाइंड द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स जो बॉल है बॉक्स के बगल में है पास में है तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा बिसाइड द नेक्स्ट वन इज देयर आर टू बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्सेस देयर इज बॉल सो जो टू थिंग्स के दो चीजों के बीच में चीज होती है तो उसके लिए बिटवीन वर्ड यूज होता है सो द बॉक्स द बॉल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस द नेक्स्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स जो बॉक्स बॉल है जो बॉक्स के सामने है इन फ्रंट ऑफ मीन सामने द नेक्स्ट वन इज ओवर द बॉल इज ओवर द बॉक्स जो बॉल है बॉक्स के ऊपर है देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉक्स द बिटवीन द ओवर एंड ओन इन दिस पिक्चर यू कैन सी द बॉल इज टच विद द सर्फेस ऑफ द बॉक्स जो बॉल है बॉक्स के सर्फेस से टच कर रही है अगर कोई चीज किसी सर्फेस से टच करती है तो उसके लिए ऑन लगेगा अगर कोई चीज किसी के ऊपर से जाती है तो उसके लिए ओवर लगेगा द मीनिंग इज सेम फॉर बोथ वर्ड्स ऊपर सो ओवर मीन्स ऊपर ऑन मीन्स ऊपर सो नाउ इन द एस्पाक बुक रीड दिस सेंटेंस मारिया सिट्स बिटवीन कविता कनिका एंड मारी मैरी जो मारिया है वो कनिका और मैरी के बिटवीन बिट मीन्स बीचें बैठे बीच बैठी है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन अराउंड मीन्स गोल गोल घूमना इर्द गिर्द घूमना जो धर जो अर्थ है सन के इर्द गिर्द घूमती है द बॉय स्वैम अक्रॉस द रिवर टू द अदर साइड अक्रॉस मीन्स पार करना तो लड़के हैं वो रिवर को पार करके दूसरी साइड

a part is filling in the blanks with preposition you will write the right preposition in the blank there is a park dash our school hamare school may ek park hai. so we'll, we, we will write down here in the next part is choose and write the correct prepositions in the following sentence there are three options of preposition you will cho choose them choose this and fill in the blanks द का जम्प डैश द फेंस जो का ऊपर से जम्प करती है बिहाइंड पीछे ओवर ऊपर नियर नजदीक सो द राइट ऑप्शन इज ओवर द का जम्प ओवर द फेंस सो स्टूडेंट आई होप यू कैन नाउ यू यू आर सेटिस्फाइड विद दिनिंग ऑफ प्रापोजिशन यू कैन Clear about this concept. So, practice these propositions. Uh, thank you.